तो दोस्तों अभी एक आरजे पूरब भाई का एक वीडियो आया है, काफ़ी पुराना वीडियो है, अभी नहीं मतलब काफ़ी पुराना वीडियो है, तो उस पर मैं जो है अपना रिएक्शन देने वाला हूँ और मैं ये फर्स्ट टाइम देखने जा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का मेरा रिएक्शन वगैरह होगा इस वीडियो पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंकल जी, अंकल जी भैया ऐसी बेइज्जती कर रहे हो हमारी गाड़ी के साथ बैठ के, बता रहा हूँ अंकल जी। आपको आज चुलबुली हो रही है ना, बड़ी खुशी हो रही है ना, मना लीजिए खुशी, मना लीजिए खुशी। सुनो ये बेकार है ना, अभी इसकी जगह कुछ काम की चीज लगवा लेना, वो लगा देंगे, पैसा हम देंगे। नहीं 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 भैया, बाबू जी माफ कर दीजिए, ऐसे कोई बात नहीं बड़े भैया। कह दोगे आप भी दे देना, हमारी एक बात माननी पड़ेगी। बताइए, सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी भाई साहब। लगा लेंगे, ये बहुत जरूरी है ना। सीट बेल्ट लगी है, पता नहीं हमें भैया। सीट बेल्ट लगा ले भाई, कहाँ घूम रहे हो? हम दे दें अपनी, कहो तो सीट बेल्ट लगा ले भैया, मिल गई ये बात। सब मालूम है लेकिन जो है आवाज आने से नहीं। ये बात, क्या नाम रहता भैया अपना? उमेश। उमेश भैया जी, सही उमेश भैया, गर्मी बहुत पड़ रही है, भयंकर मौसम बदलने वाला है। अच्छा पेमेंट हो रही है? हाँ, मैं जा रहा हूँ लेने। बहुत बढ़िया, आज पार्टी होगी फिर? पार्टी यार ठेका ही बंद है, कहाँ से पार्टी हो जाएगी? तो लगी रही है लिटिल लिटिल, ये कहाँ से इंतजाम हो रहा है? लिटिल लिटिल डेढ़ सौ रुपये मिल रही है, नाटी बॉय। डेढ़ सौ मिलती है तो भैया पीना पड़ता, क्या करें, आदत है। एंजॉयमेंट भी तो है, जरूरी है जीवन में, पूरा दिन काम ही करते रहो तो मशीन बन जाओगे। सही है कि नहीं? आप कहाँ जा रहे हैं? जगतपुर। हम यार इसकी वीडियो में हमको यार लगातार हंसी आती रहती है यार, तो चलिए देखते रहते हैं, अगर मैं हंसते रहूँ तो कुछ। जहाँ मंजिल जहाँ रास्ता ले जाए। ऐसा थोड़ी, मंजिल बहुत लंबी है, मंजिल बहुत लंबी है, सफर काटने के लिए कोई साथी चाहिए, ऐसा रहता है। अकेला आदमी गाड़ी कब तक चलाएगा? आपने पैसे की बात करी ना, हमारी यहाँ लगी नहीं, हमने आप सर जी यार पैसे भी आपको पूछना जरूरी है, आप ई रिक्शा होती तो समझ में आता। असल में जैसे आप अपना गम भुलाने के लिए साकी साकी कर लेते हैं, वैसे हम अपना गम किसी के साथ बताने के लिए किसी को बैठा लेते हैं। खाली आदमी जो है गाड़ी चलाता चलाता मेंटल हो जाता है। हमारा चेहरा देख के आपको नहीं लग रहा होगा अंदर से कितना स्मार्ट है आप? स्मार्ट नहीं, अंदर क्या कहानी इंसान की चल रही, क्या दुख चल रहा, क्या जीवन में परेशानी है, खुश है, चेहरे से आदमी पढ़ नहीं पाता, यही हमारे साथ है। अब हम समझ लीजिए चश्मा हम इसलिए लगाए हैं, हम तीन दिन हो गए सोए नहीं ढंग से। कहाँ से आ चले आ रहे हैं आप? हमारे हेलेट से। बोल थोड़ा हेलेट। हाँ बड़े, कोई है कोई भट्टी अट्टी है क्या? बड़े पापा हमारे। अच्छा सर, में हुआ उनके साथ क्या? शादी कर लिए दूसरी, वो दूसरी 62 साल की उम्र है, जो दूसरी बड़ी मम्मी मिली, सही नहीं मामला उनका। अब 12 साल की उम्र बहुत हो गई, बच्चों ने जोर लगाया, वो पीते रहते थे पूरा दिन, दिन से पीना चालू कर देते थे, तो बच्चों को भी लगा कि भैया दूसरी शादी कर दी जाए, शायद थोड़ा सही हो जाए मामला। दूसरी शादी हो गई, बड़ी मम्मी का नाम इनका है डायना पेंटी। ये अपना बड़ी मम्मी का नाम डायना पेंट। अबे यार डायना पेंटी सही है यार। क्या के
मकबरा। हाँ अभी शादी को 6 महीने नहीं हुए, घर के ठीक बाहर गन्ने की ठिलिया लगी हुई, गन्ने का जूस नहीं रहता है, मक्खी भगाने के लिए मोटी वाली धूपबत्ती लगाते हैं धुआं करने के लिए। बिना किसी को बताए बाहर गई, वो लेकर आई, इनकी नाभि में डाल दी। ये पूरा जल गया इतना हिस्सा। अंदर रहती है नाभि, हेलमेट में भी अब देख के नाभि में गन्ने का जूस पिया। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था बच जाए तो अच्छी बात होती है, अगर नहीं बचता तो हर जाता है। नहीं इसमें बच जाएंगे, अब डॉक्टर वैसे बोल रहा है कि ऐसे इलाज असंभव है, लेकिन ये क्या है ट्रांसप्लांट करने के बहुत जाने माने डॉक्टर हैं जिनसे बात हुई है। गन्ने के जूस से कैसे पलट सकती है, बहुत फेमस है, कई ट्रांसप्लांट इन्होंने किए। तो इन्होंने बोला है कि नाभि का अगर आप लोग इंतजाम कर लो तो इसमें जो है बदल सकते हैं, कुछ हो सकता होगा, बाकी इसमें अब कुछ सही नहीं होगा। जैसे नहीं आंख वगैरह की रोशनी चली जाती है, आंख बदल देते हैं, कान बदल देते हैं, तो वैसे आजकल साइंस तरक्की कर गई, बहुत चीजें आगे पहुंच गई। हम लोग सोचा करते थे वो चीज आजकल होने लग गई जो हम ख्यालों में अपने सोचा करते थे। हमें लग रहा था कि अब जो है इतना मामला यहाँ खराब हो चुका है, क्योंकि वो नाभि के अंदर पूरी घुसड़ दी है, मोटी रहती वो बत्ती। अब छोटी भाई अगर बत्तियां कुछ हो तो चलो ठीक है, छाला पड़ जाए, अब लेक छाला तुम इतना बड़ा जो है किसी डाल दोगे, इसे डाल नहीं से बच से पूरी, कैसे मापी के डाल नहीं से बच से पूरी दिक्कत होगी वही, और रख ही रहे वही दबा के, ऐसे क्या हाल होगा। नाभि शरीर का वो हिस्सा है जो खास कोई काम का है नहीं, तो इसलिए उपज गए। अब डॉक्टर ने बोला इनकी नाभि जितनी जल्दी जल्दी बदल दी जा सके दिनचर्या में आ जाएंगे। अच्छा गंदे के रास्ते पूरा गंदा ही गंदा घुसेड़ दिया। डॉक्टर जैकी जो रहते हैं, डॉक्टर जैकी हैं अभी जिम्मी थे, तो चल रहे ना लंबा, यहाँ काम करेंगे अभी तो हम यहाँ सवारी लेंगे और 2-3 यहाँ यहाँ जाना हाँ यहाँ जाना। यहाँ रोक दे गाड़ी, बीच रोड रोक दीजिए, ऐसे गाड़ी नहीं रुकती जैसे आप बता रहे हो, हमको पीछे जाना है अंकल जी। अंकल जी भैया ऐसी बेइज्जती कर रहे हो, हमारी गाड़ी के साथ बैठ के बता रहे हो अंकल जी, यूटर्न ले रहे हैं आगे गाड़ी मोड़ रहे हैं पर रोक जाए अंकल जी, तो अंकल जी पता नहीं इतनी बेइज्जती तो हमने आज तक नहीं सही। भैया कितनी उम्र है यार, हमारी ज्यादा उम्र थोड़ी है, गाड़ी सफेद हो गई, बस काम कर रहे हैं। काम का हिस्सा कौन सा काम कर रहे हो, दाढ़ी सफेद हो गई, हम करते जनरेटर काम पहले, जो दाढ़ी सफेद हो गई जनरेटर से वो तो काली होती, धुआं निकलता अंकल जी मोड़ रहे भैया रोक दीजिए, निकल जाएंगे आगे पीछे निकल जाएंगे बाबू, क्या फायदा परेशान करेंगे आपको। अब हमारी बात सुनो, इधर यहाँ से कहाँ जाओगे, अब यहाँ से पीछे जाएंगे। हाँ सुनो मेरी बात, नाम क्या था अपना, अरे ऐसे नहीं लॉक है वो, ऐसे नहीं खुलेगा, जैसे आपने हमको अपनी मजबूरी बताई है ना, डॉक्टर ने बोला नाभि बदलनी है तो आपको हम ले चलना है लेट। अरे भैया हम ये सब चक्कर थोड़ी पड़ते हैं भैया, मेरी बात नहीं, इसकी जगह कोई काम की चीज लगवा लेना, मेरी बात सुनो ये बेकार है ना भी, इसकी जगह कुछ काम की चीज लगवा लेना, वो लगा दे पैसा हम देंगे। अरे नहीं भैया नहीं भैया बाबू जी मेरे को माफ कर दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं बोले भैया, हम मेरी बीवी है 2-3 बच्चे हैं, 2-3 बीवी दो तीन बच्चे हैं मेरे, हम तो लगा भाई बड़े पापा लसी ने कहे, अरे नहीं भैया उनका ख्याल रखा जाएगा, सर्टिफिकेट दिया नहीं भैया, नहीं ऐसा काम नहीं, ऐसा काम नहीं, देखिए ये चीज किसी भी शरीर में काम की नहीं है बाबूजी, ऐसा काम अगर बिना उसके आप रहेंगे तो कोई खराब लगेगा क्या, दिखेगा ही नहीं जब वो नाभि नहीं दिखेगी, ऐसा काम नहीं बाबूजी, वो नहीं खुलेगा इससे, भाई साहब ब्लॉक है यहाँ से बाबूजी, बाबूजी क्या नाम था अपना, उमेश कुमार, इसका पूरा सर्टिफिकेट बनवाएंगे नाम का, अरे नहीं सर जी हम ऐसा काम आग दान होती जैसे आग दान, नहीं सर जी अब हम, लेकिन एक बात मानोगे फिर हमारी पीछे छोड़ेंगे हम आपको, इतना मानो चले आएंगे हम, ऐसे कैसे जाओगे धूप में पैदल, अरे हम किराया दे देंगे, हैं किसको किराया, हमारा किराया हम आपको देंगे, कहाँ है हमारा किराया, आप मेरे पास है हमारा यही किराया, आपकी नाभि हमारा किराया, क्या काम करते हो आप, हम जनरेटर काम बचने सर जी, हमारा जनरेटर खराब बनाओगे कल को आके, अगर खराब हो जाएंगे क्या नाम था अपना, उमेश, उमेश भैया नंबर दो, बार तो नाम पूछ रहे पहले काम होगा बुलाएंगे हम, हां बुलाना करोगे आप, पैसा सही लोगे, अरे जो आप पैसा नहीं देना, मां आगे चल कर ऐसा काम नहीं करते हम, पैसा दे के काम कराते हैं जनरेटर का,
जनरेटर धुआं छोड़ता है ज्यादा काला, धुआं छोड़ता तो क्या होता उसमें, धुआं ज्यादा छोड़ता तो क्या दिक्कत होती? ये आपको वो कराना पड़ेगा, मोबाइल चेंज करवाना पड़ेगा। हेलो, हाँ हम तो वहाँ जा रहे हैं पीछे, वहाँ वो क्या नाम है इसका, भाटिया होटल, भाटिया होटल लगता, हमारा नंबर दे जाना जनरेटर के लिए। ठीक है हम हैं, हाँ ठीक है। तो इसमें काला धुआं छोड़ता है बहुत ज्यादा, मोबाइल चेंज करवाओ आप स्टार्टिंग के टाइम पे। हाँ तो सही हो जाएगा, क्या पैसा पड़ जाएगा इसमें? ऐसे पड़ेगा 300-400 पड़ेगा आपका, वो तेल तेल लाना पड़ेगा, बाकी 100 खाना तो मिस्त्री लेगा। हाँ। बस सब काम हो जाए, 500 कर लेते हो, सब कर लेंगे हम, कर दो पूरा, धुआं वो बंद हो जाएगा, काला है सब बंद हो जाएगा, कोई धुआं वो 500 रुपए खर्चा, बस 500 रुपए मोबाइल लाना पड़ेगा, बस थोड़ा थोड़ा निकला काला धुआं आपका, निकला भगभगाया इसे थोड़ा जनरेटर में आपका, अपना मेरा काम ये कैमरा लगा है मेरा काम बढ़ाएगा। अच्छा नाम क्या था अपना? उमेश भैया, तीन बार पकड़ लो क्या कर रहे हो वीडियो में, सुनो दिया तुमने हमको जल्दी, सुनो सुनो ये कैमरा लगा है, वीडियो बना रहे थे मेरा नाम है ना, कोई कहीं नहीं लेके जा रहे, ना कोई एडमिट है ना कुछ है, खाली हम आदमी जो अनजान गाड़ी में बैठ जाता ना इसे धोखे से, उसको खाली बैठा के थोड़ा डरा देते हैं, मजाक करते हैं उसको, बताते हैं भैया कहीं से किसी अनजान गाड़ी में ना बैठा करो भाई साहब, आपने बुलाया हम बैठ गए, हम बुलाएंगे कुछ भी कर लोगे, अभी हम नाभी दिलवा रहे, चलो दे दो चल के। सॉरी सर जी, इतना बोल दो कि अनजान गाड़ी में, आज के बाद अनजान गाड़ी में कभी बैठेंगे नाभी भाई, और दूसरे भी सोच समझ के बैठे, दूसरे जो सोच समझ के बैठे, और महिलाएं और बच्चे तो बिल्कुल ना बैठे, महिलाओं और बच्चे कभी ना बैठे। हाँ सर जी, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं, बस ये बड़े पापा की मजबूरी है, वाला इलाज करवा दीजिए, चल रहे लेके, इतना बोल दो आरजे पूरब को लाइक करें इनको, आज के बाद सरप्राइज करें आरजे पूरब को, आज ये पूरब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, और अनजान गाड़ी में कभी ना बैठे, अनजान गाड़ी में कभी ना बैठे, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, और वोटिंग चल रही, वोट भी दें, वोटिंग कर रही, वोट भी दें, गले मिलेंगे, गले आपने डरा दिया हमको एकदम, चलो अभी दाद मार, अब घबराने वाली बात नहीं, कहो तो पार्टी होटल छोड़ दे, पक्का पक्का। वाह यार मजा आ गया यार। तो भैया अगर रिएक्शन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करें।